हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% इससे बाहर नहीं आएगा। जो आज के इस वीडियो में हम सभी प्रश्न को बताने वाले हैं, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। आपका भी टारगेट है इस बार 100 में से स्टूडेंट कितना, 100 में से आप लोगों को 95% लेकर आना, किसमें, सिविक्स में। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन विद आंसर को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिया हुआ है कि दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। तो जो दूसरी दुनिया के जो देश हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो दो ध्रुवीयता का अंत है उससे लिया गया आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दूसरी दुनिया के जो देश हैं जाने जाते हैं स्टूडेंट, समाजवादी देश या समाजवादी खेमे का देश, ठीक है। तो आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है, ठीक है। यानी जो पूर्व सोवियत संघ है उसका जो गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्ध में व्यस्त है वो यूक्रेन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यानी आपका दूसरे का सी विकल्प हो जाएगा, यूक्रेन पर जो है रूस ने भैया 2022 से लगातार युद्ध चल रहा है और अभी तक इसका युद्ध की समाप्ति कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो दूसरे का सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई जो है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा यानी यूएसए के द्वारा जो बनाई गई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है वो नाटो है स्टूडेंट, ठीक है। नाटो में कुल 29 देश होते हैं, जो भैया मान लीजिए कि अमेरिका के जो नाटो है, नाटो का एक अर्थ होता है स्टूडेंट, क्या है, नाटो ये वाला आपका NATO, नाटो में जो 29 देश होते हैं, कि मान लीजिए कि 29 देश में से किसी देश पर किसी देश ने, यानी मान लीजिए 29 देशों में से किसी देश ने हमला कर दिया उस 29 देशों में से एक नाटो के सदस्य पर, तो सभी जो 29 देश होंगे वो उस पर यानी उसके तरफ से लड़ने जाएंगे दूसरे देश के लिए जिसने उस नाटो के सदस्य के ऊपर हमला किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अमेरिका के द्वारा जो एक सामूहिक सुरक्षा बनाई गई है वो नाटो हो जाएगा। नाटो की जो स्थापना हुई थी ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कहाँ पर, अमेरिका के जो वॉशिंगटन DC है, इसमें जो केवल क्या है, केवल 12 पहले होते थे, लेकिन अब नाटो में शायद 29 हो गए, पहले 12 होते थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ, 29 या 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, आसियान क्या है। आसियान बेटा आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन हो जाएगा, जो कि 4 नंबर का सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जो आसियान की स्थापना है ये 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को, 1967 की इसकी जो स्थापना हुई थी, आस जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। अब आसियान क्या, आप लोग कमेंट में नीचे बताइएगा, ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म बताइएगा नीचे। आसियान का तो अर्थ यही है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ठीक है स्टूडेंट। इसकी जो एक प्रकार से मुख्यालय है आसियान का, ठीक है, ये आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार है, यानी भैया वो कितने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर वाला, इनमें से राइट आंसर 2 हो जाएंगे जो कि परमाणु हथियार है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया। तो यूरोपीय जो एटमी जो समुदाय का गठन किया गया स्टूडेंट, ये कब किया गया था, 25 मार्च यहाँ पर देखिए 25 मार्च 1957 को राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का वी विकल्प आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर, कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, ठीक है, यानी दक्षिण एशिया की बात तो हो रही है कि कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, क्या श्रीलंका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा या पाकिस्तान हो जाएगा,
ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर, सटीक आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने काफ़ी बार आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है, जो हमारे वीडियोज रेगुलर स्टूडेंट देखते होंगे उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प हो जाएगा, चीन हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन गूगल पर मैंने इसको सर्च किया था तो वहाँ पर म्यांमार दिखा रहा था। ठीक है, तो बुक वाला राइट आंसर माना जाएगा या जो गूगल पर आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन फिलहाल मैं बुक वाले पर टिक लगा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। तो भैया सिहेरी है, यहाँ पर देखिए सिहेरी जो हो जाएगा, यानी ये देखिए सिहली। ठीक है, कितने हैं 74% जो है बहुवर्ग संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार, जो कि श्रीलंका की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो भैया एंटोनियो गुटेरेस जो कि एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ये कब बने थे भैया महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो ये 2017 में बने थे। पहले किए थे जो एंटोनियो गुटेरेस थे, पहले भैया पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, यानी स्थायी सदस्य की बात हो रही है। तो 5 देश हैं। अब वो 5 देश कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए चीन आपका हो गया सबसे फर्स्ट, दूसरा आपका फ्रांस, ठीक है, तीसरा आप लोगों का रूस, ठीक है, चौथा आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और UK यानी यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश हैं जो कि स्थायी है, 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी स्टूडेंट याद रखिएगा जो 10 अस्थायी सदस्य, तो टोटल इसमें 15 सदस्य हैं, जो 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस और USA और UK हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि निम्नलिखित देशों में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, स्थायी सदस्य नहीं है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इनमें से भैया भारत हो जाएगा जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो 11 नंबर का आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर स्टूडेंट कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, जुलाई 1944 में। ठीक है, इसकी यानी मुख्यालय कहाँ पर है विश्व बैंक की, तो इसका मुख्यालय USA में, जो कि Washington DC में है। कहाँ पर, Washington DC है, इसमें इसका मुख्यालय है। 1944 जुलाई में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया, डियर स्टूडेंट। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ, इसमें किस झंडे यानी किस झंडे के वृक्ष का पत्तियों का जो प्रयोग किया गया, वो जैतून हो जाएगा। तो 13 नंबर का सी विकल्प जैतून हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 13 नंबर का सी राइट आंसर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो कुंजी कहलाता है क्या कहलाता है, आम सभा, सुरक्षा परिषद, न्याय सीता, यहाँ पर देखिए न्याय सीता परिषद या सचिवालय। तो 14 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 14 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर, सुरक्षा अपने, यहाँ पर देखिए सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की धारणा है, तो ये आप लोग बताइए। तो ये भैया भूल भुलैयादार है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर का ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सुरक्षा है डियर स्टूडेंट, ये अपने आप में एक प्रकार से कौन सा है, भूल भुलैयादार धारणा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल संधि यानी AVM यानी एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल्स। ठीक है, एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी, कब हुई थी डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोग बताइएगा ये कब हुई थी, 26 मई, यहाँ पर देखिए 26 मई 1972 को डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो 26 मई 1972 को एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल संधि, यानी यहाँ पर देख सकते हैं एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव कौन सा है। तो बकरी हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, गाय हो जाएगा या बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, तो इनमें से जो 17 नंबर का वी विकल्प है यानी मुर्गी हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला जो प्रधान जीव है वो मुर्गी है। तो 17 नंबर का वी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट 18 नंबर,
कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है निशस्त्रीकरण से है, पर्यावरण सुरक्षा से है, शरणार्थी समस्या से है, या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट? ठीक है, तो बताइए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका ये पर्यावरण सुरक्षा से है, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद में और क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कौन सा है स्टूडेंट? तो पूर्वी एशिया में है, रूस में है, अमेरिका में है, या पश्चिमी एशिया में है? तो इनमें से राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिमी एशिया हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका दिखा रहा था। अब आप बताइए कि बुक के हिसाब से यानी जो पश्चिमी एशिया दिया है ये सही है या आपका अमेरिका वाला सही है? तो कॉमेंट में इसका आंसर हमें सटीक आंसर बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तब बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर देखिए, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। जो भारत में ऊर्जा अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम, ये पारित कब किया गया था? तो ये पारित किया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा, 2001 में। ठीक है, इनमें से ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट जो कि इम्पॉर्टेंट यानी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। हालांकि मैंने और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने चैनल पर वीडियोज बनाए हुए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हमने नागरिक शास्त्र के बताए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, और आप लोगों को हमारे चैनल पर आप जब हमारे विजिट करेंगे, चैनल को पूरा ओपन करेंगे, तो वहाँ पर आपको सेक्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले में हमें क्या है, प्लेलिस्ट में हमने सारी चीज़ें बता रखा है, यानी चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिसमें क्या स्टूडेंट सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं, जैसे हर एक सब्जेक्ट का आपको सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, यानी आपको जो भी तैयारी करनी है A to Z आपको तैयारी का पूरा उसमें मटेरियल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सिविक्स का चाहिए, यानी नागरिक शास्त्र का आपको चाहिए, तो वहाँ पर आपको पूरा A to Z वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी अपनी सिविक्स की या अन्य सब्जेक्ट की कर पाएंगे। तो वो वीडियो और वो आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके नागरिक शास्त्र में 2 नंबर का पूछा जाता है, और ये भी इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में बताना है। तो भैया भारत को रूस के साथ अपने संबंधों में फ़ायदा बेसिकली हुआ क्या है, यानी मुनाफा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ भैया रूस के साथ रहने में, रूस के साथ, ठीक है, रूस के साथ अपने संबंध यानी मित्रता का हाथ बढ़ाने में। उत्तर है यहाँ पर, देखिए उत्तर है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुँच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए हैं। ठीक है, तो भारत के रूस के साथ संबंध कैसे हैं, कितना है, अच्छा है, आप लोगों को पता ही होगा कि रूस भैया 1971 का जब वार हुआ था भैया, ठीक हो, किसकी आज़ादी के समय, किसकी आज़ादी के समय, बांग्लादेश की आज़ादी के समय, तो भैया हमारा जो एक प्रकार से अहम जो रोल निभाया था वहाँ पर रूस ने निभाया था, मित्रता रूस ने निभाई थी। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी अच्छा मित्र है भारत का रूस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों का नाम लिखिए। ठीक है, तो दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले जो दो देश है, एक आपका पोलैंड तथा दूसरा आपका हंगरी, यहाँ पर देखिए हंगरी हो जाएगा, ये आपका 2 देश का नाम है जो कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए 1 नंबर आपको एक देश पर, दूसरे पर आपको 1 नंबर हो जाएगा, तो टोटल आपका बराबर 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, खासकर नागरिक शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कहना आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं है। उत्तर देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, यूरोपीय संघ के रूप में सामान, विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक सामने मुद्रा के चयन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा और राष्ट्रगान
स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है किसकी, यूरोपीय संघ की। इसकी स्थापना 1992 में हुई। ये खासकर बहुविकल्पीय में क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो गले में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इस समय मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं क्या है वीडियोज़ को कम लेकर आता हूँ। पहले क्या मैं 2 वीडियोज़ को लेकर आता था, लेकिन अब एक ही वीडियो आती है चैनल पर, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा और आपकी मैं पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी इशू रहे, लेकिन मैं आपकी पूर्ण रूप से तैयारी स्टूडेंट कराऊंगा। बस आप लोग मेहनत कीजिए, 100% स्टडी वर्ड दीजिए, ठीक है। और एक हमारा न्यू वीडियो आया हुआ है कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारे डाउट क्लियर किए हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने सारे डाउट के बारे में बताया कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, कैसे आपको स्टडी करनी है। जो अभी भी ज्वाइन हुए हैं और अब से पढ़ाई करना शुरू किए, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, उनके लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम लिखिए। तो इसमें जो 2 स्थापक संस्था यानी जो संस्थापक देश है, सबसे पहला आपका इंडोनेशिया तथा दूसरा मलेशिया हो जाएगा, ठीक है, आसियान के संस्थापक देशों का नाम, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आसियान की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए, क्या 8 अगस्त 1967 को हुई थी? जी हाँ स्टूडेंट, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। LTTE, ठीक है, LTTE का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए LTTE का पूर्ण विस्तार बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए, उत्तर है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे। यहाँ पर देखिए लिट्टे LTTE का पूर्ण विस्तार है। ये एक उग्र तमिल संगठन है जो श्रीलंका में 1963 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, ठीक है। एल, यहाँ पर देखिए LTTE, ठीक है, LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक है, ये आप समझ गए। इसकी यानी जो है जो श्रीलंका में 1963 के बाद सेना के साथ संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो ये LTTE का पूर्ण विस्तार है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके इस बार कंफर्म है आने वाला है ये सभी क्वेश्चन, तो तैयार कर लेना है। देखिए उत्तर है कश्मीर मसला सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित यानी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के 2 प्रमुख कारण है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें 2 प्रमुख कारण कैसे पता चलेगा, तो देखिए कश्मीर मसला पहला होगा, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, ठीक है, ये भारत के मध्य 2 प्रमुख कारण हैं जो कि विवाद के 2 कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, इनके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर बात हो रही है डियर स्टूडेंट, तो देखिए उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के, यहाँ पर देखिए देखिए नॉर्वे के ट्राइब ली 1946 और 1952 थे। इन्होंने कश्मीर से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम का प्रयास किया, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर 1986 से देखिए 1946 से 1952। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले 2 देशों का नाम का उल्लेख कीजिए। भैया सबसे अधिक वीटो क्या होता है? वीटो जो है ये देखिए वीटो केवल 5 ही देशों के पास है स्टूडेंट, शायद आपका रूस अमेरिका, तो ये तो 2 कन्फर्म है, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस चीन ब्रिटेन भी इसमें हो सकता है, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम, तो टोटल 5 इसमें दे सकते हैं। वीटो क्या होता है स्टूडेंट कि देखिए सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले 2 देशों का नाम सोवियत संघ रूस यानी सोवियत संघ जो रूस है अभी प्रेजेंट टाइम में, दूसरा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 2 देश भैया सबसे अधिक वीटो का प्रयोग। वीटो क्या होता है कि कोई भी प्रस्ताव है, मान लीजिए कि 5ों देश का सहमति है तो भैया वीटो लागू हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि 5 देश में से 4 देश सहमत हैं, 1 देश नहीं सहमत है, ठीक है, असहमत है, तो वो क्या वीटो प्रस्ताव जो हो जाएगा वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले 2 देशों का नाम आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 9 नंबर, AVM संधि का महत्व बताइए, ठीक है, हमें क्या बताना है,
एवीएम संधि का महत्व बताना है। तो देखिए उत्तर है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एवीएम, जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बता दिया था, ठीक है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 1972 में हुई थी, कब हुई थी, शायद 25 मई को हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था स्टूडेंट, आप लोग बताइएगा। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है और अभी भी मैंने बताया स्टूडेंट, याद रखिएगा कब हुआ था। इसकी जो एक प्रकार से इसकी जो हस्ताक्षरित हुई थी ये 20 मई को हुई थी, 20 मई 1972 को हुई थी शायद, ठीक है। तो एवीएम संधि का महत्व तो है इस संधि पर, यहाँ पर देखिए और इसमें देखिए, इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका, ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती है भैया। यानी इसमें क्या होता है, जो ये परमाणु हथियार संधि की भैया आप कोई भी देश परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा, एक प्रकार से उस पर एक वो हो जाता है, जिस तरह से ताश्कंद जो है, ताश्कंद आप लोगों को समझौता याद होगा ना, ताश्कंद समझौता हुआ था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग समझौते होते हैं, अलग अलग नियम कानून लागू होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रवासी और शरणार्थी, देखिए अप्रवासी और जो शरणार्थी से आप क्या समझते हैं इनके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि शरणार्थी वे लोग होते हैं जो प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, शरणार्थी वे लोग होते हैं जो प्राकृतिक आपदा अथवा, यानी शरणार्थी का अर्थ होता है कि भैया शरण लेना, किसी देश में शरण लेना स्टूडेंट। अप्रवासी वे होते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं भैया, अप्रवासी कहलाते हैं। यानी अपनी इच्छा से, मान लीजिए कि मेरी इच्छा भारत में ना रहकर मुझे अमेरिका या दुबई में रहना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर स्वइच्छा यानी अपने हिसाब से जा रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी बांग्लादेश में भैया वो चल रहा है, काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, वहाँ की सरकार गिर चुकी है, ठीक है, वहाँ की सरकार की जो वो थी, कौन थी आप लोग बताइएगा कमेंट में, प्रधानमंत्री थी वो भैया, भागकर भारत आई थी, तो आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो उसमें पता होगा, ठीक है। तो वो होता है भैया शरणार्थी, और उसमें जो भारत, उसमें क्या होते थे, काफ़ी लोग जो है मुस्लिम लोग, उग्र लोग हिंदू पर अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं पर, ठीक है, तो उनके बारे में भी आया था न्यूज़, तो वो क्या भारत में आ रहे थे, तो उनको क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं भैया, कि भारत में आकर रहना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए उत्तर देखिए, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के जो रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया, पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में 170 देशों और हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील के डी स्टूडेंट रियो डी जनेरियो में, कहाँ पर, रियो डी जनेरियो में ये हुआ था, इसमें कम 170 देशों से अधिक लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक उष्मा, यहाँ पर देखिए वैश्विक उष्मा यान के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए, तो उत्तर है पृथ्वी, सबसे पहला है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तथा दूसरा है समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ठीक है। तो ये वैश्विक उष्मायन के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई, जो भारत में जो भैया आर्थिक सुधारों की, डियर स्टूडेंट, शुरुआत हुई कब हुई थी, तो उत्तर देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई। भारत ने वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से आर्थिक सुधारों की योजनाओं की शुरुआत की, ठीक है। तो यानी भारत में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत कब हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1991 में हुई, और भारत ने वित्तीय संकट से उभरने के और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा आर्थिक सुधारों की योजनाओं की शुरुआत की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने बताए हैं आप लोगों को, जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, और आपको मैंने जितने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे, तैयार कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो कि क्लास 12 नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट के लिए था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, ये क्वेश्चन इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में बताइएगा, फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए, एक ही सेकेंड लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।